हेलो फ्रेंड्स मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ आज के इस वीडियो में हम वेस्ट वाटर जो आपकी वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियर फिफ्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए उसके हम नेक्स्ट चैप्टर को देखने वाले हैं पिछले वीडियो में जो हमने तीन वीडियो इसकी अपलोड हो चुकी है तो उन तीनों को मिला आपका दो चैप्टर ऊपर कवर हो चुका है और आज हम जो चैप्टर देखने वाले हैं इस चैप्टर में इस एक चैप्टर को अगर पूरा कंप्लीट जब हम कर लेंगे तो हमारे दो चैप्टर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे क्वालिटी ऑफ वाटर एंड वाटर ट्रीटमेंट जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका है चैप्टर क्वालिटी ऑफ वाटर वाटर एंड एंड ट्रीटमेंट थर्ड फोर्थ वो दोनों चैप्टर आपके इसी एक चैप्टर की जो वीडियो है उसमें आपके कवर हो जाएंगे तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यदि पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे की वीडियो आप प्ले में जाकर देख सकते हैं वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग की प्ले बनी हुई है

अतः पानी से उन्हीं तत्वों को अलग करना चाहिए जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो स्वास्थ्यप्रद पानी इसकी विशेषताएं जो स्वास्थ्यप्रद पानी है और उसकी विशेषताएं क्या है इसको हम देख लेते हैं ऐसा पानी जिसमें मनुष्य के स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाने वाले तत्व मौजूद हो तथा स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाले तत्व मौजूद नहीं हो उसको हम स्वास्थ्यप्रद पानी कहेंगे यानी कि जो भी पानी आपका है उसमें जो भी तत्व मौजूद है वो लाभ पहुंचाने के लिए लाभ पहुंचाने वाले तत्व है तो उसको हम स्वास्थ्यप्रद पानी बोलेंगे उसमें कोई भी ऐसे तत्व अगर नहीं मिले हुए हैं जो हानि पहुंचाते हैं स्वास्थ्यप्रद पानी में निलंबित विशेषताएं होनी चाहिए उनकी कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए तो उसको हम देख लेते हैं सबसे पहला आपका पॉइंट है यह पानी शुद्ध साफ झलकता हुआ होना चाहिए यह रंगहीन एवं गंधहीन होना चाहिए पानी मीठा एवं ठंडा होना चाहिए पानी गर्म नहीं होना चाहिए यानी इसका ताप चार डिग्री सेंटीग्रेड से दस डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होना चाहिए बहुत ज़्यादा इसका तापमान अधिक नहीं होना चाहिए पानी मृदु एवं ताज़ा होना चाहिए इस पानी से बर्तनों एवं कपड़ों पर दाग नहीं पड़ना चाहिए जो भी आप हमारे स्वास्थ्यप्रद पानी है उसकी ये क्वालिटी है पाइप इसकी फिटिंग पर इससे जंग नहीं लगनी चाहिए पानी में स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाने वाले तत्व उपस्थित होने चाहिए तो ये सभी आपकी क्वालिटी थे जो भी आपके स्वास्थ्य प्रद पानी होते हैं उसकी ये सारी अधिक होता है वे नीचे बैठ जाती हैं और जिनका घनत्व तो पानी के घनत्व से कम होता है वे पानी में तैरती रहती हैं और जिनका घनत्व तो पानी के घनत्व तो के बराबर या थोड़ा अधिक होता है वे पानी में समान रूप से वितरित निलंबित रहती है इन्हें निलंबित अशुद्धियाँ कहते हैं पानी में निलंबित अशुद्धियां जितनी ज्यादा होंगी पानी उतना ही अधिक गंदला होगा पानी में सिल्ट मृतिका पंगई शैवाल प्रोटोजोआ आदि जैव अथवा अजैव अषुद्धियां निलंबित रहती है तथा तो तो जैव अशुद्धियों से कई प्रकार की बीमारियां फैलती हैं इन अशुद्धियों को फिल्टरन एवं औसाधन क्रियाओं से दूर किया जाता है तो निलंबित औसुद्धियाँ क्या है ये आपको क्लियर हो गया होगा अशुद्धियाँ ये देखिए ये, ये अशुद्धिया पानी में ठोस कड़ोस के रूप में होती है जिन अशुद्धियों का अपेक्षित तो, घनत आपको पानी की अपेक्षित अगर अधिक होगा तो वो असुदिया नीचे बैठ जाएंगी जिनका घनत्व तो कम होगा वो ऊपर तैरती रहेंगी लेकिन जिनका घनत्व तो पानी की घनत के अलावा तो बराबर होगा वो पानी के साथ बिल्कुल मिली हुई होंगी यानी कि पानी आपका बिल्कुल गंदा दिखाई देगा तो इस प्रकार की जो अशुद्धिया होती है इन्हें हम निलंबित अशुद्धियां कहते हैं नेक्स्ट हमारा है घुलित अशुद्धियाँ विभिन्न सतही एवं भूमिगत पानी के स्रोतों से प्राप्त पानी में कुछ घुलनशील अशुद्धियां आ जाती हैं जिससे पानी पीने के लायक नहीं रहता है जैसे पानी में कैल्शियम मैग्नीशियम सोडियम एवं कुछ धातुएं जैसे लो ऑक्साइड मैग्नीस शीशा तथा गैसे आदि जब घुल जाती हैं तो पानी में कठोरता तथा छाड़ता जैसी अशुद्धियाँ आ जाती हैं पानी का रंग तथा स्वाद भी बिगड़ जाता है तो ये आपकी जो अशुद्धियां होती है हमारी घुलित अशुद्धियां होती हैं नेक्स्ट हमारा है कोलाइडल अशुद्धियां तो इन अशुद्धियों का आकार बहुत छोटा होता है इसलिए यह खाली आंख से दिखाई नहीं देती इसलिए इन्हें हम किसी यंत्र द्वारा ही देखा जा सकता है कोलाइडल अशुद्धियों के कड़ों में विद्युत आवेश होता है इसलिए यह हमेशा गतिमान रहते हैं अतः इन अशुद्धियों को पानी से अलग करना कठिन होता है जो आपकी कोलाइडल अशुद्धियां होती है इस प्रकार से तीन प्रकार की के बारे में आपको पता चल गया नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन इसको हम बोलते हैं पानी में घुली हुई अशुद्धियों को मापने के लिए मानक इकाई पीपीएम ली जाती है जो घुली हुई अशुद्धियाँ होती है उनको मापने के लिए जो हम मानक इकाई लेते हैं हमारी पीपीएम होती है जिसको हम पार्ट पर मिलियन बोलते हैं इसका तात्पर्य यह है कि 10 लाख भाग पानी और एक भाग अशुद्धि यानी कि पार्ट पर मिलियन इसका मान जीरो पॉइंट होता है तो पीपीएम आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम में पूछता है नेक्स्ट हम देखते हैं पानी में घुलनशील अशुद्धियां और उनके प्रभाव जो भी कुलनशील अशुद्धियां होती है उनके क्या-क्या प्रभाव पड़ते हैं तो इधर आपका अशुद्धियों के नाम दिया गया है और इधर आपके अशुद्धियों के इफेक्ट यानी कि प्रभाव क्या पड़ता है पहला हमारा देखिए कैल्शियम तथा तो मैग्नीशियम के कार्बोनेट बाइकार्बोनेट सल्फेट क्लोराइड तो इसमें आपका इनमें पानी में कठोरता तथा क्षारकता आती है इनसे इसके कारण भी कठोरता का सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट तो इनसे पानी मृदु तथा छारी होता है फ्लोराइड के कारण आपका क्या होता है दांतों के इनेमल को मजबूत बनाते हैं और क्लोराइड आपका क्या होता है इससे पानी में स्वाद पैदा होता है नेक्स्ट हमारा है धातुएं इसमें आपका ऑक्साइड मैगनीज शीशा और है तो इसके अलग अलग प्रभाव दिए गए हैं ऑक्साइड से आपका क्या होता है इससे स्वाद कठोरता संचारण तथा तो लाल भूरा रंग प्राप्त होता है मैग्नीज के कारण आपका इससे हल्का भूरा रंग उत्पन्न होता है शीशा के कारण इससे पानी जहरीला होता है और आर्सैनिक के कारण इससे भी पानी आपका जहरीला होता है

तो देखिए किसी भी जल स्रोत से पानी प्राप्त करने के उपरांत उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने से पूर्व उसका परीक्षण कर लेना आवश्यक है है यदि स्रोत का पानी शुद्ध है, तो की अन्य क्रियाएं नहीं करनी पड़ती हैं और यदि शुद्ध नहीं है तो उसका उपचार करके पुनः परीक्षण करके ही उपभोक्ता को उपलब्ध कराना चाहिए तो सबसे पहले हम पानी का टेस्ट कर लेते हैं अगर उसमें अशुद्धिया नहीं है तो उसका हम जो ट्रीटमेंट है वो नहीं करते अगर अशुद्धिया हैं तो उसका ट्रीटमेंट करके फिर से हम उसका टेस्ट करके तब हम जो भी होगा सप्लाई करेंगे उस पानी का पानी के परीक्षण निम्नलिखित है इनके तीन टेस्ट होते हैं पाला आपका फिजिकल टेस्ट है भौतिक परीक्षण केमिकल टेस्ट है रासायनिक परीक्षण और बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट यानी कि जीवाणु परीक्षण तो पाला हम देखते हैं भौतिक परीक्षण आपका क्या होता है फिजिकल टेस्ट क्या होता है पानी के रंग गंध ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में पानी के रंग गंध स्वाद ताप गंदलापन एवं ठोस पदार्थों की जानकारी के लिए जो परीक्षण किए जाते हैं वही आपके भौतिक परीक्षण यानी कि फिजिकल टेस्ट कहलाते हैं जिसमें हम रंग गंध स्वाद ताप गंदलापन इन सब की जानकारी हम प्राप्त करते हैं तो पहला आपका रंग है रंग में हम क्या देखते हैं पानी में रंग उसमें घुली हुई अशुद्धियों के कारण होता है इनमें कोलाइडल अशुद्धियां खनिज और कार्बनिक पदार्थ सड़े गले पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं रंगीन पानी को उपभोक्ता पसंद नहीं करते हैं पानी का रंग प्लेटिनम को, कोबाल्ट स्केल पर मापा जाता है तो ये भी पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है जो पानी का रंग होता है हम प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल पर मापते हैं एक लीटर पानी यानी कि आशुद्ध पानी में एक मिलीग्राम प्लेटिनम कोबाल्ट घोलने पर जो रंग प्राप्त होता है उससे एक पीपीएम मापा जाता है उसे हम जो इकाई होती है, हमारी एक पीपीएम मापा जाता है जल के रंग के परीक्षण करने के लिए रंग मापी यंत्र यानी कि जो आपके रंग मापी यंत्र होते हैं उनका हम प्रयोग करते हैं इस यंत्र में एक नेत्रिका होती है जिसके आगे दो छिद्र होते हैं इसके एक छिद्र में नमूना जल स्लाइड तथा दूसरे चीद्र में एक मानक स्लाइड रखकर दोनों की तुलना करते हैं जिस मानक स्लाइड से पानी का रंग मिल जाता है, है। पर पर घरेलू जल की स्केल पर बीस पीपीएम से अधिक नहीं होना चाहिए जो भी हमारा घरेलू जल होता है उसकी मानक तीव्रता जो होती है प्लेटिनम को पर बीस पीपीएम से अधिक नहीं होना चाहिए तो ये पॉइंट हम याद रखेंगे दूसरा हमारा पानी का स्वाद व गंध तो इसमें हम देखते हैं पानी में गंध और स्वाद कार्बनिक पदार्थ जैव पदार्थ के गलन सड़न घुलनशील गैसों खनिज पदार्थ औद्योगिक वाय द्रव घरेलू सीवेज आदि के संपर्क में आने पर पानी में गंध आती है तथा तो लवड़ आदि से पानी में स्वाद में परिवर्तन आ जाता है उपभोक्ताओं को तीव्र गंध और अरुचिकर स्वाद बिल्कुल भी पसंद नहीं है भले ही यह पानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो पानी के स्वाद व गंध का परीक्षण चक्कर एवं सुनकर किया जाता है जिससे मीठा खट्टा नमकीन तेज गंध या फिर मंद गंध वाला पानी इस प्रकार से गंध का परीक्षण ओस्मोस्कोप यंत्र से किया जाता है ये आप याद रखेंगे गंध का परीक्षण जो होता है ओस्मोस्कोप यंत्र से हम करते हैं और इसको थ्रेशोल्ड संख्या में आका जाता है एक लीटर शुद्ध गंध रहित पानी में जितने मिलीलीटर लीटर परीक्षण जल मिलाने पर उसमें से गंध आना शुरू हो जाए इस संख्या को ही थ्रेशोल्ड गंध संख्या कहते हैं यानी कि जो आपका शुद्ध जल होता है एक लीटर उसमें जितने मिलीलीटर हम परीक्षण जल मिला रहे हैं जिससे उसमें गंध आने लगे तो वही संख्या जो आपकी होगी थ्रिसोल्ड गंध संख्या कहलाएगी फिर आपका है ताप जल आपूर्ति के लिए पानी का ताप चार डिग्री सेंटीग्रेड से दस डिग्री के होना चाहिए पानी का तापक्रम जाएंगी पानी का तापक्रम के पर, तो पर मौसम ठंडा या गर्म है इसका भी प्रभाव पानी पर पड़ता है पानी का तापक्रम थर्मामीटर से ज्ञात किया जाता है ताप परिवर्तन से पानी का घनत्व श्यांता वास्पदाप आदि प्रभावित होते हैं नेक्स्ट हमारा है गंदलापन तो गंदलापन को हम डिटेल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उसके बाद से हमारा दो टेस्ट और हैं जो आपके केमिकल टेस्ट और बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट है तो ऐसे वीडियोज के लिए आप चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए